आज की इस मंडोला के पावन भूमि पर हो रहे आंदोलन की महापंचायत के हमारे आज अध्यक्ष जी, कुशल संचालन कर रहे हमारे भाई, हमारे साथ में बैठी हमारी मातृ शक्तियां, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों और हमारे सरमौर, हमारे समाज के सरताज श्री मांगेराम त्यागी जी कुतुबपुर, बोबी त्यागी जी, वह हमारे साथ चल के आई हमारी समस्त टीम, और सबसे पहले इस तपत स्थली, मैं इसे तपत स्थली ही कहूंगा क्योंकि पिछले गत 6 वर्षों से यहां जो आंदोलन चल रहा है, हमारी माताएं, हमारे भाइयों ने यहां जो तप किया है, उस तप के कारण ये जो स्थान है, ये तपस्थली ही बन गई है। इसे नमन करते हुए सबसे पहले शासन प्रशासन कान खोल कर सुन ले कि जो ये हमारे भाई हैं, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये अकेले नहीं हैं। समस्त त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज की आवाज और उसकी ताकत आज इस आंदोलन से जुड़ चुकी है। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं जिन नेताओं ने इस आंदोलन का फायदा भी उठाया, कुछ हमारे समाज के भी इसमें नेता रहे, सरकार से मिली भगत करने के बाद उन लोगों ने इस आंदोलन की आड़ में अपने बखूबी बहुत काम निकाले, क्योंकि टारगेट हमारे वो ही है, क्योंकि हम सवाल जवाब उस सरकार के नुमाइंदों से ही करेंगे जो आज सत्ता में है। और सत्ता में भागीदारी हमारे समाज के नेताओं की भी है। मुझे पता चला समाज के बड़े बड़े नेता आपसे जुड़े, आपको उन्होंने बेवकूफ बनाया, आपको उन्होंने धरने पे बैठाया, और धरने पे बैठे बैठे आपको 6 साल हो गए, उसके बावजूद भी आपकी कहीं बात सुनी गई, कहीं नहीं सुनी गई। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप समाज से हैं, समाज आपसे नहीं। समाज का मात्र 0.1% व्यक्ति अपने स्वार्थ में, लालच में आपके यहां मुड़े तोड़ने आता होगा, लेकिन समाज का 99.99% व्यक्ति हमेशा से समाज के स्वाभिमान के लिए, समाज की इज्जत के लिए हमेशा से लड़ता आया है। अपनी जो नींद है उसे खोलिए, कहीं आपके साथ वो व्यवहार ना हो जाए या वो कांड ना हो जाए जो सरकार के साथ खतौली में हुआ। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं खासकर कि हमारे ऊपर वाली जो पीढ़ी है उसका तो समय निकल गया, वो पक चुके हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता स्वाभिमान, मान सम्मान, इज्जत, बेइज्जती का। मुझे कहने में कोई गुर्रेज नहीं, लेकिन युवा साथियों, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहता हूं पूरे समाज से, पूरे समाज के युवाओं से, कि कायरों का कभी इतिहास नहीं होता, इतिहास हुआ है तो भगत सिंह का हुआ है, सुखदेव का हुआ है, महाराणा प्रताप का हुआ है। इसलिए मर्द बनिए, युवाओं से कहना चाहता हूं मर्द बनिए मर्द, और जो आपके खिलाफ या आपके समाज के व्यक्ति के किसी के भी खिलाफ ये सरकारें या कोई भी उत्पीड़न करती है उसके खिलाफ खुल के बोलिए। साथ ही साथ
बीच में हमारी समस्त टीम आई है, हर जिले से यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं, और हम वादा करते हैं आपसे, जितने भी यहाँ पे आंदोलनकारी लोग बैठे हैं, हम वादा करते हैं अगर सबसे पहले लाठी अगर पड़ती है तो वो हमारे सीने पे पड़ेगी, आपके सीने पे बाद में पड़ेगी। क्योंकि वक्ता बहुत होंगे, भाषणबाजी भी बहुत होगी, लेकिन मैं अपने अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी वक्ता तो बाद में होंगे, पहले सख्त निर्णय ले आए यहां करके। जब तक हमारी इस आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकलता या इनकी सुनवाई नहीं होती, तब तक यहाँ कोई काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी मैं आपसे चाहता हूँ आप आइए, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है, शाम निकल जाएगी, अगला दिन निकल जाएगा, लेकिन बहुत लोग हैं आए हुए हैं। सख्त लहजे में बात करना जरूरी है, क्योंकि हमेशा से लड़ाई ही लड़ी जाती है। अगर हमें लड़ाई लड़ना है तो हम लड़ाई लड़ने आए हैं। फिर ऐसी सरकारों का क्या फायदा अगर हमें हर जगह आंदोलन ही करने पड़ रहे समाज के लिए। इसलिए किसी की बपोती ना बने, ये धर्म की चाशनी आपको पिलाते रहेंगे और आप पीते रहेंगे। लेकिन युवा साथियों, अपने हम हमेशा से लेकर के जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, तो हमारे समाज के व्यक्ति थे तेग बहादुर राय, जिनके बेटे थे, अगर आपको ना पता हो, गुरु गोविंद सिंह, भूमिहार थे पटना से, उन्होंने सेना बनाई, लेकिन वो अलग पटरी पे मामला चला जाएगा। लेकिन जब तानाशाही हुई इंदिरा गांधी जी के समय में, तब भी हमारे समाज भूमिहार ब्राह्मण समाज का ही व्यक्ति आया, राम नारायण सिंह। अगर प्रदीप जी गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए, कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं अपनी ताकत को, हमसे बड़ी ताकत पूरे विश्व में नहीं है। हम कहीं अय्यर अलंगर, कहीं चित्पावन, कहीं मोहियाल, कहीं गालव, कहीं त्यागी, कहीं शर्मा, कहीं राय, अलग अलग उपाधि में बढ़ जाते हैं और हमारी मुट्ठी खुल जाती है। लेकिन साथियों, अगर हमारी मुट्ठी बंद हो गई, अगर हम सब एक हो गए, तो मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपसे बड़ी बिरादरी कोई नहीं है। विधायक छोड़िए, सांसद छोड़िए, कैबिनेट मंत्री छोड़िए, अगर आप एक हो गए तो आने वाला प्रधानमंत्री आपका होगा, भूमिहार ब्राह्मण समाज का होगा, लेकिन जागना होगा। लेकिन मैं खुशी की बात है, हमारा युवा साथी जाग रहा है, वो अपने स्वाभिमान को, अपनी इज्जत बेइज्जती को समझ रहा है, खुशी की बात है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं जय जवान जय किसान के नारा लगाऊंगा, और आप बुलंदी पूरे मजबूती के साथ मेरे नारों को बुलंद देने का काम आप करेंगे। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहां खड़े हैं, क्योंकि टेस्टिंग करना भी जरूरी है, मैं चाहता हूं या मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मांगे राम जी बहुत दूर से चलकर हमारे बीच में यहां आए हैं, अगर आपका साथ नहीं होता तो मांगे राम जी भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे। तो मैं आपसे समर्थन मांगता हूं, और पुरजोर तरीके से हाथ उठा करके समर्थन मांगता हूं, सब हाथ उठा के समर्थन देने का काम करेंगे, कि अगर यहाँ गोली भी खानी पड़ी तो क्या गोली खाने के लिए सब तैयार है? तैयार है। जय जवान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।